हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रतीक एंड यू वॉचिंग चाचा भतीजा व्लॉग्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेट 2024 के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको खोलना है ब्राउज़र। तो यहाँ पर मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैक में जो ब्राउज़र यूज़ होता है वो है सफारी। तो सबसे पहले आपको खोलना है sarkaririzult.com। यहाँ पर आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा गेट। तो गेट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लिंक आ चुके हैं। हमें अप्लाई करना है गेट 2024 ऑनलाइन फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट है 29 सितंबर। तो देखिए यहाँ पर इसकी डिटेल्स आ चुके हैं पूरी। नेम ऑफ पोस्ट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट ऑनलाइन फॉर्म 2024। इसके लिए EWS के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 1800 रुपये। SC ST के लिए फ़ीस कम हो जाती है, जो कि 900 रुपये। फीमेल ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस है वो 900 है। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेना, आपकी BTech, BPharma, BArc, BSc रिसर्च, BSMSC, MA, MCA, ME, MTech, ड्यूअल डिग्री, इंटीग्रेटेड कोर्स, आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। या तो आप वो डिग्री कर रहे हैं या आप पास कर चुके हैं, तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। गेट के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपको एक अपनी फ़ोटो चाहिए वर्चुअल फॉर्म में, एक आपको चाहिए आपके सिग्नेचर, और एक आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है आपके पास। तो यहाँ पर लिंक है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है अपना रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको डालनी है अपनी डिटेल्स। तो फर्स्ट जो आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम डाल देना, मिडल नेम, सर नेम, एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट के अंदर आपका फुल नेम आएगा। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको डालनी है अपनी ईमेल आईडी। अच्छे से डालना, गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेरीफाई भी होगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी डाल दी ईमेल आईडी। नेक्स्ट है हमारा कन्फर्म ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस आपने ऊपर डाला है, वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अपनी कंट्री डाल देना, इंडिया जैसे। और उसके बाद आपको डालना है आपका मोबाइल नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया। और नीचे कन्फर्म मोबाइल नंबर में भी सेम नंबर डालना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज़ करना। तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी आपने डाली है, उसके अकॉर्डिंगली एक पासवर्ड चूज़ कर लेना, क्योंकि ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं चूज़ योर ओन पासवर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पर जो अपना पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। पासवर्ड जो है आप किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं। बस ये देख लीजिए कि जो इसके नीचे जो लाइन चल रही है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम गेट अप्लाई क्यों करते हैं। गेट के हेल्प से अगर हमारा गेट क्वालिफाई हो जाता है, तो हम BTech के बाद MTech कर सकते हैं IIT के अंदर। जैसे अगर हमें BTech करनी है IIT के अंदर, तो हम GE मेंस एग्ज़ाम देते हैं। तो जो भी डिटेल्स यहाँ आपको डालनी है, जैसे इनरोलमेंट आईडी है, आप अपनी ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, तो वो आपके मेल पे आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मेल पर हमारी इनरोलमेंट आईडी आई है, और एक OTP आया है वेरीफिकेशन के लिए। उस OTP को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे 8 - 3 होता है 5, मैंने डाल दिया, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हमारा एप्लीकेशन खुल जाएगा, और यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको डालना है कि आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैं करूँगा एक ही पेपर के लिए अप्लाई करूँगा, क्योंकि दो एग्ज़ाम होते हैं, मैं एक ही के लिए अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं डालूँगा मेरी स्ट्रीम कौन सी है। तो यहाँ पर होगी हमारी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने डाल दी CS। कंटिन्यू। उसके बाद आपको चूज़ करना होगा आपका एग्ज़ामिनेशन सिटी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया न्यू दिल्ली, उसके बाद गुड़गांवा, एंड थर्ड प्रायोरिटी हमारी, थर्ड चॉइस है हमारी ग्रेटर नोएडा, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास है। सेव कर देना। अगर बाय चांस कोई इशू होता है, तो यहाँ तक आपकी सारी डिटेल सेव हो जाएंगी। तो सबसे पहले मुझे वेरीफाई करना होगा अपनी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो उससे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ अपनी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कन्फर्म डेट, कन्फर्म मेल, जेंडर डाल दिया आपने, फिर नेशनलिटी। उसके बाद जैसे कि मैं OBC हूँ, तो मैंने अपनी कैटेगरी के अंदर OBC मेंशन कर दिया। यहाँ पर नो ही रखना है। तो उसके बाद मैं अपनी परमानेंट स्टेट डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं फ़ोटो आईडी के लिए यूज़ करूँगा अपना आधार कार्ड। ओके, आधार कार्ड का जो नंबर है वो मेंशन करना है आपको। उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स या किसी गार्डन्स का इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहले मैं अपने फादर का नाम लिख लिया और मेंशन कर दिया कि मेरे फादर हैं। उसके बाद मुझे अपने फादर के फ़ोन नंबर को भी डालना होगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ
नेक्स्ट हमसे, तो सेव करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमसे पूछा है हमारा पिन कोड, जाके हमें अपना पूरा एड्रेस डालना है। तो पिन कोड डालने के बाद आपकी कंट्री और स्टेट अपने आप फिल हो जाएंगे। पिन कोड डालने के बाद कंट्री और स्टेट अपने आप आ चुका है। उसके बाद डालूंगा मैं अपना एड्रेस, जैसे कि मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर कंट्री अपने सिटी अपने आप आ जाती है, तो सिटी को मैं मॉडिफाई करूँगा। जैसे कि मेरी जो सिटी है वो है नजफ़गढ़ साउथ वेस्ट। उसके बाद मुझे अपनी डालनी है कॉलेज की डिटेल्स, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। जैसे मैंने पीडीएम से बीटेक की है, तो पीडीएम की पूरी डिटेल्स डालूंगा मैं यहाँ पर। मैंने जो बीटेक की है वो है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। 2022 में मेरी बीटेक हुई थी। यहाँ पर आपको अपना लास्ट ईयर डालना है। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज मेंशन करना है, डिग्री अवार्डेड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट नेम, तो दोनों ही चीज़ जो है वो मेरी पीडीएम यूनिवर्सिटी, तो मैंने पीडीएम यूनिवर्सिटी मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है सेव। सेव करने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद आपको डालनी है अपनी डिटेल्स। ओके, अब डिटेल्स जब हम डालेंगे तो यहाँ पर तीन डिटेल आपको मेंशन करनी है, मतलब अपलोड करनी है। अपलोड फ़ोटो, कलर फ़ोटो, एक आपको अपलोड करना है अपनी सिग्नेचर, एक आपको अपलोड करना है अपनी कोई भी एक आईडी, आधार कार्ड हो सकता है। जैसे आपने कि मेंशन किया था आधार कार्ड, तो आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर जो चीज़ मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोग्राफ जब अपलोड करेंगे तो जो फाइल साइज़ है वो 5 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए, और मिनिमम पिक्सल रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं 200x260 एंड मैक्सिमम पिक्सल रेजोल्यूशन 530x690। ओके, ऐसा ही सिग्नेचर के साथ है और ऐसा ही हमारी आधार कार्ड के साथ है। तो हम अपलोड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स अपलोड कर दी हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिखाएगा जो जो आपने अपलोड किया है। मैंने सेव कर दिया और व्यू एप्लीकेशन पे किया। व्यू एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स जो आपने मेंशन की है वो सारी आ जाएंगी। क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद अगर आपसे कुछ गलती होती तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है, जो भी डिटेल्स आपने डाली हैं उसे करेक्ट कर लेना। ओके, तो सारी चीज़ जो मेंशन है यहाँ पर उनका अच्छे से ध्यान रखना, चेक कर लेना अच्छे से। जैसा कि मैं चेक कर रहा हूँ मेरी सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 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 करने के बाद यहाँ पर आता है ई सिग्नेचर। ई सिग्नेचर के अंदर आपको मेंशन करना है अपना फुल नेम। जैसा कि मेरा जो फुल नेम है वो प्रतीक है, तो मैंने प्रतीक मेंशन कर दिया। ऊपर कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद करना है सबमिट। एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए फ्यूचर के लिए। सबमिट करने के बाद कंफर्म, कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर जितनी डिटेल्स आपने डाली हैं वो ठीक है या नहीं है, तो हमने यहाँ ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेरी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं दोबारा। अब मुझे अपनी अमाउंट पे करना है, और अमाउंट है हमारा 1800 रुपये। तो पे करने के बाद आप UPI किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, देख भी सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये हमारा गेटवे खुल चुका है, पेमेंट गेटवे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट रिसीव सक्सेसफुली। तो एक काम कीजिए ना, प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके अपनी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर बाय चांस उनके साइट से कुछ एरर आता है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप पेमेंट कर चुके हैं। तो इसी के साथ हम गेट 2024 के लिए अप्लाई कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, ब्लॉग्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, भक्ति के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ जिन जिन ने गेट के लिए अप्लाई किया है कमेंट में ज़रूर बताना, और अपनी तैयारी कर लीजिए। गेट का जो एग्ज़ाम है वो जैन फेब के बीच में ही होता है, तो अभी आपके पास टाइम है 1-2 महीना, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच।